मेरे प्यारे कला प्रेमियों और स्कूल कॉलेज के जितने भी विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आर्टिस्ट अंकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस रंगों की होली में आर्टिस्ट अंकल की तरफ से आप लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज आर्टिस्ट अंकल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रंगों की होली पोस्टर पेंटिंग। हाँ, तो मेरे प्यारे कला प्रेमियों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस होली का त्यौहार हमारे भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस उत्सव में हर जाति धर्म के व्यक्ति विशेष ये रंगों की होली खेलते हैं। ये रंगों की होली में ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, कुछ बात विचार नहीं होता है। इसमें सब लोग भाई भाई बोल के ये खेल खेलते हैं। ये जो भारतीय परंपरा है, हमारे ये भारत सर्वधर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसी राष्ट्र में पौराणिक कथा वस्तु में एक काल्पनिक घटना घटा है, जो हिरण्यकश्यप नामक एक बहुत बड़ा राक्षस ब्रह्मा जी को तपस्या के बल पर संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी से कभी ना मरने की बल प्राप्त किया। ना सुबह मरेगा, ना रात को मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना भीतर मरेगा, ना नर मारेगा, ना कोई देवता मार सकेगा, कोई उसे नहीं मार सकेगा। वैसे ही वर ब्रह्मा जी से वो प्राप्त कर लिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, उस बेटा का नाम प्रह्लाद, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त था। हिरण्यकश्यप उसके बेटे को कभी प्यार से बात नहीं करता था, बल्कि उसको मारने की उपाय ढूंढता था। प्रह्लाद एक विष्णु भक्त था, जो कि हर वक्त विष्णु के मंत्र अपने दिल से जाप करता था। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हमारे इस राक्षस की गहन में ये विष्णु भक्त कहाँ से आ गया, उसे मारना चाहिए, क्योंकि वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता था। इसीलिए प्रह्लाद को विभिन्न उपाय से मारने की कोशिश किया, लेकिन भगवान विष्णु प्रह्लाद को हर वक्त बचाते रहे। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसको हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बोला कि देखो होलिका, तुम्हें आग से ना मरने की चादर पर प्राप्ति हुआ है, तू आग में भी नहीं जल सकता है, इसीलिए अगर मेरा एक बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। होलिका ने भैया की बात माना और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को बोला कि तुम्हारा भतीजा, मेरा बेटा प्रह्लाद को आग में
जला के भस्म कर देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त है, वो हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो होलिका ने भैया हिरण्यकश्यप की बात मानी और जलते हुए आग में होलिका ने वो वर प्राप्त किया हुआ चादर को उड़ा और आग में कूदा। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाया और उसी आग में डाल दिया, जहाँ पे होलिका ने पहले से ही आग ना लगने की चादर ओढ़ के बैठा था। और होलिका उस प्रहलाद को पकड़ा और आग से जलाने की कोशिश किया, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु भक्त था, वो विष्णु को जप किया, तो भगवान विष्णु ने आया और होलिका के शरीर में जो चादर था उसी चादर को लेके प्रहलाद के शरीर में डाल दिया और प्रहलाद को आग से बचाया। लेकिन होलिका के शरीर में चादर ना होते हुए होलिका जलकर उसी आग में राख हो गया और प्रहलाद उसी आग से बच निकला। उसी दिन से होलिका के मरने के कारण हम लोग सब मिलके रंगों की होली खेलते हैं और खुशी मनाते हैं। तो मेरे प्यारे कला प्रेमियों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, जो आर्टिस्ट अंकल चैनल में नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। आज उतने ही।